हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मीना कुमारी, पीजीटी केमिस्ट्री फ्रॉम गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोरनी हिल्स। आज हम क्लास 11 का केमिस्ट्री का पी ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें कि हम ग्रुप 14 करने जा रहे हैं। ग्रुप 14 में हम द कार्बन फैमिली करेंगे। ग्रुप 14 एलिमेंट्स में जो हमें टॉपिक कवर करने हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोवेलेंट रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन स्टेट, केमिकल प्रॉपर्टी एंड एनोमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन। नाउ लेट अस स्टार्ट विद ग्रुप 14 एलिमेंट्स। नाउ ग्रुप 14 एलिमेंट्स में 6 एलिमेंट है टोटल। पहला एलिमेंट है कार्बन, जिसका सिंबल है सी, सिलिकन एस आई, जर्मेनियम जी ई, टिन एस एन, लेड पी बी एंड लास्ट एलिमेंट इज फ्ली रोवियम एफ एल। दिस ग्रुप इज ऑल्सो नोन एज कार्बन फैमिली बिकॉज इसका जो पहला मेंबर है वो है आपका कार्बन, इसी से हमें कार्बन फैमिली भी बोलते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द ऑकरेंस। जो कार्बन है वो अर्थ क्रस्ट में 17th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है अगर हम बात करें तो, एंड सिलिकॉन की बात करें तो सेकंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है। जर्मेनियम ऑकर और एग्जिस्ट इन ट्रेसेस। टिन ऑकर मेनली एज कैसिटराइट, दैट इज SnO2 के फॉर्म में मिलता है, एंड लेड इज फाउंड एज गैलिना PbS। नाउ लास्ट एलिमेंट जो कि हमारा है फ्लोरोवियम, दैट इज सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड रेडियोएक्टिव एलिमेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ अगर ग्रुप 14 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2 NP2। इसका मीनिंग है कि NS2 जो होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है और जो NP पी ऑर्बिटल होता है उसमें सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में गया है, इसी वजह से ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कोवेलेंट रेडियस। नाउ रेडियस की बात करें, अगर हम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड बात करते हैं तो ग्रुप 14 एलिमेंट्स का जो रेडियस होता है वो कम होता है और ग्रुप 13 का जो रेडियस होता है वो ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज जो होता है वो घटता है, तो हमारा ग्रुप 14 का जो साइज होता है वो कम होगा और ग्रुप 13 का जो साइज होगा वो ज्यादा होगा। नाउ हाउएवर, अगर हम टॉप टू बॉटम दैट इज ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है, तो साइज जो होता है दैट इज रेडियस इंक्रीजेस डाउन द फैमिली, ठीक है। नाउ अगर हम फैमिली की पूरी बात करते हैं इसमें, तो कार्बन से जो सिलिकॉन तक है वो इंक्रीज हो रहा है। नाउ देयर आफ्टर जो सिलिकॉन टू लेड है वो स्मॉल इंक्रीज हो रहा है रेडियस में, ज्यादा इंक्रीज नहीं दिखता। इसका रीजन क्यों है और क्या है ये? क्योंकि इन हैवियर एलिमेंट्स में डी और एफ ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, इसी वजह से ये जो इंक्रीज होता है वो रेडियस में कम दिखता है हमें। नाउ लेट अस स्टार्ट विद आयनाइजेशन एंथैल्पी। नाउ द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 14 मेंबर इज हायर देन द कोरस्पोंडिंग मेंबर ऑफ ग्रुप 13। यानी आपका जो ग्रुप 14 एलिमेंट है उनकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो ज्यादा होती है किसके कंपेयर टू, ग्रुप 13 के कंपेयर टू। पहले तो हम ये समझते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। नाउ आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? इट इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें चाहिए होती है टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैशियस एटम और मॉलिक्यूल। यानी जो आपका एटम होता है, आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम हम बात कर रहे हैं, उसमें से जो लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसे जो हम लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन जो निकालते हैं उसके लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, दैट इज अ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ना उस वो जो होती है ग्रुप 14 एलिमेंट्स की ज्यादा होती है और ग्रुप 13 की कम होती है। इसका रीजन कि क्योंकि ग्रुप 14 का जो साइज होता है वो कम होता है और जो ग्रुप 13 का जो साइज होता है वो ज्यादा होता है। तो अगर साइज कम होगा तो एनर्जी ज्यादा चाहिए और साइज ज्यादा होगा तो एनर्जी आपका कम चाहिए।
ठीक है, जस्ट रिवर्स, क्योंकि 14 का साइज कम होता है इसी वजह से इनकी एनर्जी ज्यादा होती है, और इनका साइज जो होता है वो बड़ा होता है तो इनके लिए एनर्जी कम चाहिए। इज इट क्लियर? नाउ इन जर्नल अगर हम बात करते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो डिक्रीज होती है एज वी मूव डाउन द ग्रुप, क्योंकि साइज बढ़ रहा है तो ये डिक्रीज होनी चाहिए। नाउ बट स्मॉल डिक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑब्जर्व फ्रॉम सिलिकन टू जर्मेनियम, जर्मेनियम टू टिन, ठीक है, पर जो डिक्रीज होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। नाउ बट स्लाइट इंक्रीज इज ऑब्जर्व फ्रॉम टिन टू लेड, बट यहां पर आपका टिन से लेके लेड तक जो होता है वो इंक्रीज होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इंटरवीनिंग डी एंड एफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, एंड इंक्रीज इन साइज ऑफ द एटम। दीज आर द टू रीजन व्हाई देयर इज अ स्लाइट इंक्रीज इज ऑब्जर्व्ड इन आयनाइजेशन एंथैल्पी फ्रॉम टिन टू लेड। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाउ ड्यू टू स्मॉल साइज द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप आर स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ग्रुप 13 एलिमेंट्स। अगर हम 13 एलिमेंट्स की बात करें, ग्रुप 13 एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो उनके कंपेयर टू जो ग्रुप 14 एलिमेंट्स होते हैं वो स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो आपकी इंक्रीज होती है एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो ग्रुप 14 की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा होती है, ठीक है, और ग्रुप 13 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। Now the electronegativity value for element from silicon to lead is almost the same. अगर पर हम ग्रुप में बात करते हैं तो सिलिकन से लेड तक की जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बिल्कुल सेम होती है। तो ग्रुप में अगर हम बात करते हैं तो सिलिकन से लेड तक जो होती है वो सेम है। Now next topic is physical properties. Now, all member of the group 14 जो होते हैं आर सॉलिड। कार्बन और सिलिकन की बात करते हैं तो वो नॉन मेटल्स हैं। जर्मेनियम जो है वो मेटलॉइड है, वेयर एज टिन एंड लेड आर सॉफ्ट मेटल्स विद लो मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 14 जो होता है वो आर मच हायर देन दोज ऑफ द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 13। Now, next topic is oxidation state. Now, जो एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 14 के उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब इसके अलावा इनमें जर्मेनियम टिन और लेड जो होते हैं वो प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं। नाउ एज वी मूव डाउन द ग्रुप जो प्लस 4 की स्टेबिलिटी होती है वो डिक्रीज होती है और प्लस 2 की स्टेबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। और फॉर लेड कंपाउंड अगर हम बात करें तो प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है इज मोर प्रीडोमिनेंट। नाउ ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द इनएबिलिटी ऑफ एस इलेक्ट्रॉन ऑफ द वैलेंस शेल ऑफ द टिन एंड लेड। देखो टिन और लेड के जो वैलेंस एस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस शेल में जो एस इलेक्ट्रॉन होते हैं टिन और लेड के, टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, इनएबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, मतलब वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। दस 5s इन टिन, अगर हम बात करें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो टिन में 5s होता है और लेड में 6s होता है, दे बिहेव एज इनर्ट एंड दिस इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। नाउ इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? इट इज द रिलक्टेंस ऑफ s orbital electron to participate in bonding in an atom, मतलब s electrons जो होते हैं वो participate नहीं करते bonding में, तो that is a inert pair effect. Now because of inert pair effect only the np2 जो electrons होते हैं tin के और lead के take part in bonding with the atom of the other element, ठीक है, एंड दस डायवेलेंट कंपाउंड ऑफ टिन एंड लेड आर
स्टेबल, इसी वजह से इनके डाइवेलेंट कंपाउंड ही स्टेबल होते हैं और ये प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा दिखाते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज। उसमें फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन। नाउ ऑल द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14 व्हेन हीटेड इन ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड, मतलब जब भी इनको हीट करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो ये ऑक्साइड बनाते हैं, और ये दो तरह की ऑक्साइड बनाते हैं। पहला जो है वो मोनोऑक्साइड होता है जिसका फॉर्मूला है MO, एंड दूसरा है डाइऑक्साइड जिसका फॉर्मूला है MO2। और उसमें जो सिलिकन की ऑक्साइड जो होती है मोनोऑक्साइड, वो ओनली हाई टेम्परेचर पे ही एग्जिस्ट करती है। अगर हम मोनोऑक्साइड की बात करें तो जो कार्बन की मोनोऑक्साइड है वो न्यूट्रल होती है, और जर्मेनियम की मोनोऑक्साइड जो होती है वो एसिडिक होती है, वो टिन और लेड की जो मोनोऑक्साइड्स हैं वो एम्फोटेरिक होती है। एम्फोटेरिक मींस दे कैन बिहेव बोथ एज एसिड एज वेल एज बेस। अमंग डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकन डाइऑक्साइड एंड जर्मेनियम डाइऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, और वेयर एज टिन और लेड के जो डाइऑक्साइड हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड वाटर। नाउ जो कार्बन है, सिलिकन है, जर्मेनियम है, दे आर नॉट इफेक्टेड बाय वाटर, यानी इनका पानी का जो होता है वो इन पे कोई भी असर नहीं होता। हाउएवर अगर टिन की बात करें, इट रिएक्ट विद स्टीम, यानी ये वाटर के स्टीम फॉर्म से रिएक्ट करता है टू फॉर्म SNO2। यानी टिन दैट इज SN जिसका सिंबल होता है प्लस 2H2 गिव्स SNO2 प्लस 2H2 विद द लिब्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अगर लेड की बात करते हैं तो इट्स नॉट इफेक्टेड बाय वाटर प्रोबेबली बिकॉज ऑफ अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म, बिकॉज इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म होती है, इसी वजह से लेड जो होता है इट इज नॉट इफेक्टेड बाय वाटर। नाउ नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन करनी है। तो ऑल एलिमेंट्स जो है वो फॉर्म्स टेट्राहेड्रल हैलाइड्स, दैट इज फॉर्मूला क्या है उसका, MX4, विच आर मोस्टली कोवेलेंट। यहाँ कोवेलेंट का मीनिंग होता है जो बॉन्ड शेयरिंग से बनते हैं। नाउ कार्बन को छोड़कर सभी जो मेंबर हैं दे रिएक्ट डायरेक्टली विद ऑल हैलोजन्स, वो सभी हैलोजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। अब सिलिकन और जर्मेनियम की बात करें, दे रिएक्ट रीडली विद ऑल हैलोजन्स फॉर्मिंग वोलेटाइल हैलाइड्स। वोलेटाइल हैलाइड्स जो कि हवा में उड़ जाते हैं वो वोलेटाइल होते हैं, दैट इज SiX4 एंड GeX4। टिन और लेड दे आर लेस रिएक्टिव। अब लेस रिएक्टिव होने की वजह से टिन जो होता है रिएक्ट विद Cl2 एंड Br2 इन कोल्ड एंड F2 एंड I2 ऑन वार्मिंग। जब उसको वार्म किया जाता है तभी ये रिएक्ट करता है F2 और I2 से। नाउ Pb रिएक्ट विद F2 इन कोल्ड एंड फॉर्म्स PbF2, और Cl2 के साथ Pb रिएक्ट करता है एंड फॉर्म करता है PbCl2। अब हमने ये देखा है कि जो प्लस फोर ऑक्सीडेशन होती है Pb की, दैट इज नॉट प्रीडोमिनेंट, और इसी वजह से PbBr4 एंड PbI4 आर अननोन। Pb जो होता है वो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा दिखाता है। Now except CCl4, this is very important question, other tetrachloride are easily hydrolyzed by water. मतलब CCl4 को छोड़कर सभी tetrachlorides अगर बात करते हैं are easily hydrolyzed by water. ये एक important question है आपका, ठीक है? तो इसका answer क्या है? Because बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं उनके जो सेंट्रल एटम होते हैं उनमें डी ऑर्बिटल्स होते हैं, और वो जो डी ऑर्बिटल्स के अंदर ऑक्सीजन जो एटम है वाटर मॉलिक्यूल का उसके लोन पेयर को अकोमोडेट कर सकते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल
अगर हम बात करते हैं SiCl4 undergo hydrolysis by initially accepting lone pair of electrons from water molecule in d orbitals. क्योंकि Si के पास d orbitals होते हैं, वो easily अब उन जो electrons जो उसने lone pair of electrons oxygen से लिए हैं, water molecule की oxygen से लिए हैं, उन्हें वो accommodate कर देता है d orbitals में. Si के d orbitals में वो accommodate हो गए and finally leading to the formation of SiO4. Now, इसे हम एक रिएक्शन से समझ सकते हैं. देखिए आप सिलिकन जो है वो टेट्राहेलाइड हमने ली है SiCl, ठीक है. और जो ऑक्सीजन है उसके जो लोन पेयर है वो कौन एकोमोडेट कर लेता है, डी ऑर्बिटल कर लेता है सिलिकन के. अब वो इसके साथ यानी यहां से आपका ये जो Cl है और ये जो H है वो HCl लॉस हो जाता है और आपका एक Cl की रिप्लेस करके आपका OH आ गया यहाँ पर. नाउ इस तरह से ये स्टेप आपकी रिपीट होती जाएगी तब तक जब तक कि ये सारे Cl जो है दे आर रिप्लेस बाय OH. दैट इज आप 3H2O वाटर मॉलिक्यूल लेंगे, उसमें 3HCl निकल जाएंगे और हर प्लेस पे आपका OH अकोमोडेट हो जाएगा. दैट इज सिलिसिक एसिड बन जाएगा. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एनोमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन. नाउ कार्बन जो होता है दैट डिफर फ्रॉम द मेंबर्स अदर मेंबर ऑफ इट्स ग्रुप. क्यों? क्योंकि कार्बन का जो साइज होता है वो सबसे छोटा होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी सबसे ज्यादा होती है और इसमें डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, ठीक है. तो ये चार आपके रीजन हैं जिनके वजह से कार्बन जो होता है वो अपने दूसरे मेंबर ऑफ द ग्रुप से डिफर करता है. ना एक इंपॉर्टेंट चीज आपने ध्यान रखनी है कि जो कार्बन होता है ओनली एस एंड पी ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग and therefore it can accommodate only four pair of electron around it. Four pair क्यों? क्योंकि एक s और तीन p orbitals तो four हो गए, तो four pair of electron ही it can accommodate. This would limit the maximum covalency of carbon. तो covalency of carbon की ये limit करता है to four. Whereas other member जो होते हैं they can expand their covalency. Because they have the d orbitals. उनमें d orbitals होते हैं, इस वजह से वो अपनी covalency को expand कर सकते हैं, but carbon नहीं कर सकता, because carbon में d orbital available नहीं होते. तो इसकी covalency 4 ही होती है. Now next is the unique character of carbon. That is first prop जो इसका unique character है, that is catenation. अब कैटिनेशन क्या होता है? कार्बन एटम के पास एक टेंडेंसी होती है टू लिंक विद वन अनदर थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म अ चेन. दैट इज कार्बन कैन लिंक विद कार्बन 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 एटम एंड इट कैन फॉर्म अ चेन, इट कैन फॉर्म अ रिंग एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन. बिकॉज कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग. और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ग्रुप में साइज इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है एंड देयर बाय टेंडेंसी टू शो कैटिनेशन डिक्रीजेस. ध्यान रखें कैटिनेशन की जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज होती है, तो सबसे ज्यादा जो कैटिनेशन दिखाता है वो कौन है? कार्बन. एंड द ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन इज कार्बन शोज मैक्सिमम, Si सिलिकन शोज then next, then उसके बाद जर्मेनियम, और जर्मेनियम और टिन की लगभग एक जैसी पावर अगर हम बात करते हैं, और लेड की सबसे कम कैटिनेशन प्रॉपर्टी अगर हम बात करते हैं इसकी तो सबसे कम होती है. Now next is the tendency to form multiple bonding. Carbon also has a unique ability to form p pi multiple bonds. With itself
मतलब कार्बन जो होता है वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड अपने आप यानी कार्बन के साथ बना सकता है एंड विद अदर एटम्स दैट इज नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ भी वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाता है. नाउ दिस इज बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है, तो जो अदर एटम होते हैं जिनका स्मॉल साइज होता है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उनके साथ ये पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है. नाउ फॉर एग्जांपल कार्बन कैन फॉर्म कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कैन फॉर्म अ डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, कार्बन कैन फॉर्म अ डबल बॉन्ड विद सल्फर, कार्बन कैन फॉर्म अ ट्रिपल बॉन्ड विद नाइट्रोजन. नाउ हाउएवर सिलिकॉन जो होता है एंड अदर एलिमेंट फॉर्म्स डी पाई पी पाई डबल बॉन्ड्स विद नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो सिलिकॉन जो होता है क्योंकि उसमें डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं तो वो डी पाई और पी पाई डबल बॉन्ड बनाता है विद नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स. ठीक है, इन देयर आउटर मोस्ट शेल. Now this bond is formed by the donation of electron pair. ये bond बनता कैसे है? क्योंकि ये bond बनता है by the donation of electron pair from filled 2p orbital of nitrogen. तो जो nitrogen का orbital होता है वो filled है 2p, है ना? तो 2p orbital जो nitrogen का filled है वो अपने electron pair donate करता है and oxygen of the vacant 3d orbital of si. ठीक है, तो जो 2p orbital है नाइट्रोजन का एंड ऑक्सीजन का वो किसको डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन? टू द वैकेंट 3d orbital of si. क्योंकि सिलिकॉन में तो d orbital है और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में d orbitals नहीं है. उनके जो p orbital 2p orbitals हैं we say they donate the electron pairs and to the vacant 3d orbitals of silicon and it is called back bonding. और इसी को हम क्या कहते हैं? Back bonding कहते हैं. The compound of trimethyl amine that is CH3 thrice N and triphenyl amine that is SiH3 thrice N have different structures. Let us study their structures now. In trimethyl amine अगर हम बात करते हैं तो जो नाइट्रोजन होता है उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3 एंड हैविंग वन लोन पेयर इन वन ऑफ इट्स टेट्राहेड्रल पोजीशन और एक लोन पेयर भी होता है इसके पास और इसकी ज्योमेट्री होती है पिरामिडल. और ट्राइसिलाइलामाइन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन से टाइप की होती है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है और इसकी जो स्टेप ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल प्लानर होती है. अब इनमें एम्प्टी डी ऑर्बिटल ऑफ सिलिकॉन, जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं डी ऑर्बिटल सिलिकॉन के, दैट ओवरलैप विद द पी ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन. नाउ नाइट्रोजन के पास पी ऑर्बिटल है जो कि फील्ड है और सिलिकॉन के पास डी ऑर्बिटल है जो कि एम्प्टी है और ये दोनों मिलके कौन सा बॉन्डिंग बनाते हैं? डी पाई पी पाई बॉन्डिंग. एंड सच बॉन्डिंग जो होती है इट डज नॉट ऑकर इन ट्राइमिथाइल अमाइन बिकॉज कार्बन के पास डी ऑर्बिटल्स नहीं होते. नाउ हियर इज द असाइनमेंट. नाउ द टॉपिक विच वी हैड कवर्ड, बेस्ड ऑन दैट देर आर सम क्वेश्चंस. नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. थैंक्स.